नमस्कार नमस्कार साथियों, अपना जो कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टॉपिक चल रहा था उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। अपना जो टॉपिक था वो था अपने पास में संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति या अपने पास में नंबर सिस्टम। उसका अपना आज का कौन सा क्लास है? उसका अपना आज का कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। उसमें अपने पास में है आज सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या या सापेक्ष अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या या सापेक्ष अभाज्य संख्या, ये अपना क्या है? अगला अपना है सहअभाज्य संख्या या सापेक्ष अभाज्य संख्या। इसमें अपने पास क्या है कि ऐसी संख्या है जिनका मैं से पे महत्तम समापवर्तक मैं से पे एक हो, क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या या सापेक्ष अभाज्य संख्या कहलाती है। जिनका मैं से पे या एच सी एफ अपने पास कितना हो बराबर एक हो वो अपने पास में क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे अपने पास में संख्या की मैं बात करूं तो अपने पास में संख्या है 25 और 24, ये अपने पास में दो संख्या हैं। अपने को इसको चेक करना है कि अपने पास में सापेक्ष अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो अपने पास में क्या है कि जिस संख्या का मैं सब एक हो वो अपने पास में क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। तो अपने पास में 25, 25 के अपने पास में टुकड़े क्या होंगे? 25 अपने के टुकड़े अपने पास में होंगे 5 × 5, ये अपने पास में होंगे 25 के टुकड़े। 24 के, 24 के टुकड़े अपने पास क्या होंगे? 24 के अपने पास होंगे 2 × 2 × 2 × 3, ये अपने पास में होंगे 24 के टुकड़े। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो इसमें अपने पास इस संख्या में और इस संख्या में मत्स्य पर कितना आ रहा है? इनमें कोई कॉमन टर्म अपने पास में नहीं है, तो मतलब इसका मत्स्य पर एक है, यानी कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने पास में क्या है, इसका मत्स्य पर कितना हो गया? 24 और 25 का मत्स्य पर एक है, तो यानी कि HCF अपने पास में कितना है? एक है। तो ये क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। जो 25 और जो 24 है वो अपने पास में क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, अर्थात ऐसी संख्या जिनका मत्स्य अपने पास में एक हो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आगे अपने पास में एक संख्या है 77 और अपने पास में 66, ये अपने पास में दो संख्या हैं। तो इनको अपने को चेक करना है, इनका अपने को क्या करना है कि अपने पास में सहअभाज्य संख्या है या नहीं है, ये अपने को चेक करना है। तो अपने पास में इस संख्या के टुकड़े क्या होंगे? 77 के टुकड़े अपने पास में क्या होंगे? 7 × 11, ये होंगे अपने पास में। 66, 66 के टुकड़े अपने पास में कितने होंगे? 66 के अपने पास में फैक्टोरियल होगी 2, इसमें कितने बार जाएगा? 30 बार, 2 × 3 × 11, ये अपने पास में होगा। 66 के टुकड़े क्या होंगे? 2 × 3 × 11, 2 × 3 = 6, और 6 को 11 से गुणा करोगे तो 66। तो अपने पास में इस संख्या का क्या है, मत्स्य पर कितना है? इसका मत्स्य पर यानी कि HCF ये अपने पास में कितना है? 11 है, यानी कि 11 दोनों में। तो अपने पास में इसका मत्स्य पर कितना है? 11 है। तो ये अपने पास में क्या है, मत्स्य पर अपने पास एक होना चाहिए, लेकिन अपने पास में मत्स्य पर कितना आ गया? 11 आ गया, HCF 11 आ गया। तो ये अपने पास में क्या है, 77 और 66 सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये अपने पास में
स अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात ऐसी संख्या जिनका मत्स्य एक हो वो अपने पास में क्या होगी, स अभाज्य संख्या होगी। तो ये अपने पास में स अभाज्य संख्या या सापेक्ष अभाज्य संख्या नहीं है। अगला एग्जाम्पल करके देखते हैं, जैसे अपने पास में दे रखा है 25 और 15, तो 25 के टुकड़े अपने पास में क्या होंगे, 5 गुणा 5 ये होंगे अपने पास में। 15 के टुकड़े क्या होंगे, 15 के टुकड़े होंगे अपने पास में 3 गुणा 5। इसका मतलब कितना होगा अपने पास में, मैं स प या एच सी एफ ये अपने पास में कितना होगा, कॉमन संख्या कित कौन सी है इसमें, ये इसमें कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मतलब इसका मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब 5 हो गया अपने पास में HCF, ये अपने पास में कितना हो गया, 5 हो गया। तो अपने पास में इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब अपने पास में एक नहीं है, तो अपने पास में ये क्या है, 25 और 15 सापेक्ष या सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है, जिसमें मत्स्य अपने पास में एक होगा वो अपने पास में सहभाज्य संख्या या सापेक्ष अभाज्य संख्या होगी, जिसका मत्स्य अपने पास में एक नहीं होगा वो अपने पास में क्या होगी, सहभाज्य या सापेक्ष अभाज्य संख्या नहीं होगी। आगे आगे अपने को दे रखा है, निम्न में से कौन सा सापेक्ष अभाज्य संख्याओं का है, निम्न में से कौन सा समूह है सापेक्ष अभाज्य संख्याओं का है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका मत्स्य अपने पास में क्या हो, एक हो, वो अपने पास में क्या होती है, सापेक्ष अभाज्य संख्याएं या सहभाज्य संख्या होती है। तो हम इसमें से चेक करेंगे कि कौन सी संख्या का मत्स्य अपने पास में कितना है, एक है। तो पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है 114 और 57। इसका मत्स्य है, इन दोनों का मत्स्य चेक करते हैं और चेक करते हैं कि अपने पास में सहभाज्य संख्या है या नहीं है। तो 114 इसके टुकड़े अपने पास में क्या होंगे, 114 के टुकड़े अपने पास में क्या होंगे, 114 के टुकड़े करो, इसमें दो का भाग लगाओ तो कितनी बार देगा, ये 5 बार और ये 7 बार। इसमें 3 का भाग लगेगा कितनी बार देगा, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, और इसमें कितने का भाग देगा, 19 का भाग देगा। तो अपने पास में इसके टुकड़े क्या हो गए, 2 3 और 19, 2 गुणा 3 गुणा 19, 114 के टुकड़े हो गए अपने पास में। इसके बाद में आगे अपने पास में क्या है, 57, 57 के टुकड़े अपने पास में क्या होंगे, 57 में 3 का भाग लगाओ 3 एकम 3 और यहाँ पे 2 बचेगा अपने पास में, तो 3 नाम 27, तो 3 का भाग लगाएंगे, 57 है, 57 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3 3 नाम 27, इसमें 19 का भाग दो 1, यानी 19 गुणा 3, 57 के टुकड़े अपने पास में क्या होंगे, 19 3 गुणा 19, तो अपने पास में क्या होंगे, इसके टुकड़े ही होंगे। तो अपने पास में इसका मतलब कितना होगा, इनमें कॉमन क्या रहा है, ये संख्या अपने पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो मतलब दोनों में है, तो मतलब HCF कितना हो गया, HCF बराबर 19 हो गया, यानी कि इसका मतलब या HCF अपने पास में वन नहीं है, तो ये अपने पास में क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, ये अपने पास में क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी अपने पास में क्या है, 65 और 156, इसको चेक करना है। तो 65 के टुकड़े अपने पास में क्या होंगे, इसमें 5 का भाग लगाओ तो 5 5 से जाएगा, 5 गुणा 5 से अपने पास 13, तो 5 गुणा 13 इसके टुकड़े क्या होंगे, 5 गुणा 13 156, 156 के टुकड़े अपने पास क्या होंगे, 156 के टुकड़े करो, 156 इसमें 2 का भाग लगाऊँ तो अपने पास कितनी बार जा रहे हैं, 7 और ये अपने पास में 8, 2 का भाग लगाओ ये अपने पास में 3 और 9, इसमें 2 का, इसमें 3 का भाग लगाओ, 3 का भाग कितनी बार देगा, 13 बार, 13 का भाग लगाओ 1, तो अपने पास टुकड़े क्या होगी, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये अपने पास 156 के टुकड़े हो गए। अब इसमें अपने पास मत्स्य पर कितना हो गया, मत्स्य पर अपने पास में कितना हो गया, ये 13 दोनों में को मना रहा है, तो मत्स्य पर कितना हो गया, एच
सी एफ अपने पास में कितना हो गया, 13 हो गया। तो मतलब एस सी एफ अपने पास में 1 नहीं है, तो ये भी अपने पास में क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी अपने पास में क्या है, 51 और 136, 51 और 136, ये अपने पास में क्या होगा, 51 के टुकड़े अपने पास में क्या होंगे, 51 के अपने पास में 3 का भाग लगाओ, 3 से कटेगा 17 बार, तो ये 17 3 51, ये अपने पास में होगा। 136 के टुकड़े, 136 के 2 गुणा, 136 के टुकड़े कैसे करोगे, 136 इसमें 2 का भाग लगाओ, कितनी बार देगा, 6 बार, और ये अपने पास 8 बार, 2 का भाग लगाओ 3 बार और 4 बार, इसमें 2 का भाग लगाओ 1 बार और 7 बार, इसमें 17 का भाग लगाओ, ये टुकड़े अपने पास में होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17, ये टुकड़े अपने पास किसके होंगे, 136 के होंगे। तो इसमें अपने पास में एच सी एफ कितना रहा है, एच सी एफ मैस एफ है, इसमें अपने पास में एच सी एफ मैस एफ कितना आ रहा है, 17 दोनों में आ रहा है, तो मैस एफ कितना हो गया, 17 हो गया। तो इसका मतलब ये भी अपने पास में क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी अपने पास में सहभाज्य संख्या नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी है, डी होगी, ये तीनों अपने पास में सहभाज्य संख्या नहीं है, तो चौथी अपने पास में क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी, उसको चेक भी कर लेते हैं एक बार। चौथे में अपने पास क्या दिया गया है, डी में, डी में अपने को दिया गया है 85 और 133, तो 85 के टुकड़े क्या होंगे अपने पास में, ये 5 से भाग जाएगा, 85 के टुकड़े क्या होंगे, 85 इसमें 5 का भाग लगाओ, 5 एकम 5, 5 7 35, और ये अपने पास में 17 5 85, 5 गुणा 17, ये 85 के टुकड़े हो गए। 133 के टुकड़े अपने पास क्या होंगे, 133 के टुकड़े, 133 इसके टुकड़े अपने पास में कितने होंगे, इसमें अपने पास किसका भाग जाता है, 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का 5 का 6 का 7 का भाग, 6 का भाग जाता है अपने पास इसमें, 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 7 का भाग लगेगा इसमें, 7 एकम 7 कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 7 नाम 63, ये अपने पास 19, 7 गुणा 19, 113 के टुकड़े क्या होंगे, 133 के टुकड़े होंगे, 7 गुणा 19, 9 7 63, 7 एकम 7 और 6 13, तो इसमें अपने पास में क्या है, एच सी एफ मसअप है, एच सी एफ अपने पास कितना है, 1 है, क्योंकि इसमें अपने पास कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो अपने पास में एच सी एफ कितना हो गया, 1 हो गया, आता है सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्याएं है, ये अपने पास में क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, ये अपने पास में छह भाज्य संख्याएं नहीं है, ये अपने पास में सहभाज्य संख्याएं नहीं है, ये अपने पास में सहभाज्य संख्याएं नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम जो भी हमारे पास संख्याएं दी गई है उनके फैक्टोरियल टुकड़े करेंगे और ये चेक करेंगे कि उसका एस सी एफ कितना आ रहा है, मस एफ कितना आ रहा है, अगर मस एफ 1 आ रहा है तो अपने पास में क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी, वरना अपने पास में क्या होगी, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ऑप्शन डी में अपने पास एस सी एफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये अपने पास में क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। आगे आगे अपने पास में आती है पूर्ण संख्याएं, या होल नंबर, पूर्ण संख्या है या होल नंबर, इसको क्या करते हैं, W से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या या होल नंबर है, इसको W से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस अपने पास में प्राकृत संख्या n होती है और 0, प्राकृत संख्या में 0 को भी ऐड कर लिया जाए तो वो अपने पास में क्या होती है, पूर्ण संख्या ही होती है। तो पूर्ण संख्या अपने पास में क्या होती है, होल नंबर, अपने पास में क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये अपने पास कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ये अपने पास में क्या होती है, पूर्ण संख्या ही होती है। उसके बाद में अपने पास में
पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या अपने पास में क्या होती है, ये अपने पास में होती है इंटीजर्स, इनको आई से डिनोट करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृत संख्याएं जीरो और नेगेटिव संख्याएं, जैसे अपने पास में जो पूर्णांक संख्या है उसके अंदर अपने पास में क्या क्या होगा, उसमें अपने पास में जीरो होगा, वन होगा, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये चलता जाएगा। और इधर माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, ये अपने पास में क्या होगा, चलता जाएगा। मतलब पूर्णांक संख्याओं में सभी संख्या आएगी जीरो, सभी पॉजिटिव संख्याएं और सभी क्या होगी, नेगेटिव संख्याएं। तो अपने पास में ऋणात्मक संख्याएं प्लस जीरो प्लस धनात्मक संख्याएं। ये अपने पास में होगी तो वो अपने पास में क्या होगी, पूर्णांक यानी कि इंटीजर होंगे। पूर्ण संख्याओं में अपने पास क्या होगा, प्राकृत संख्या और जीरो शामिल होगा, और पूर्णांक संख्याओं में अपने पास में सभी पॉजिटिव संख्याएं जीरो और सभी क्या होगी, नेगेटिव संख्याएं शामिल होगी। तो इसमें अपने पास वन क्या है, धनात्मक है, इसमें टू धनात्मक है, थ्री धनात्मक है, इस तरफ वन ऋणात्मक है, अपने पास टू भी ऋणात्मक है, थ्री भी अपने पास में क्या है, ऋणात्मक है, और जो जीरो है, जीरो अपने पास में क्या होता है, जीरो न धनात्मक व न ऋणात्मक, न ऋणात्मक संख्या। जीरो जो है वो अपने पास में न तो धनात्मक होता है और न ही अपने पास में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जीरो अपने पास में न तो धनात्मक संख्या है और जीरो अपने पास में क्या है, नहीं क्या है, एक ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या है। इसमें आगे आगे अपने पास में आती है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या अपने पास में P अपॉन Q के टर्म में अपने पास में क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और अपने पास में जो P और जो अपने पास में Q होता है वो एलिमेंट किसका होता है, एलिमेंट होता है I का, मतलब कि I इंटीजर्स का एलिमेंट होगा I का। और अपने पास में Q जो होगा वो अपने पास में नॉट इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। ये अपने पास में क्या है, परिमेय संख्या की क्या है, कंडीशन है कि परिमेय संख्या जो अपने पास में होगी वो अपने पास में P और Q के रूप में होगी, और P और Q जो है वो अपने पास में किस में होंगे, I जो अपने पास में इंटीजर है पूर्णांक उसके अंदर होंगे, यानी कि P और Q एलिमेंट ऑफ क्या होंगे, I, और अपने पास में जो Q होगा वो अपने पास में क्या होगा, नॉट इक्वल जीरो होगा। जैसे अपने पास में जो P है और Q है, P यानी कि अपने पास में क्या, अंश है, और Q अपने पास में क्या है, हर है। तो P और Q अपने पास में क्या होंगे, P और Q क्या होंगे, P व Q पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे। पहली कंडीशन अपने पास में क्या है कि जो P और Q है उसकी जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या होगी, पूर्णांक में होगी। दूसरा केस, दूसरी कंडीशन अपने पास में क्या है, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों का मान अपने पास में क्या, जीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू अपने पास में क्या होने चाहिए, पूर्णांक में होने चाहिए। तो अपने पास में परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, जैसे अपने पास में 5/3, ये अपने पास में क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपने पास में ये पी है और ये अपने पास में क्या है, क्यू है। तो पी भी अपने पास में पूर्णांक है, क्यू भी अपने पास में क्या है, पूर्णांक है, कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। क्यू का मान जीरो नहीं हो, तो क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू का मान अपने पास में क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो अपने पास में ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3/5 या फिर 3/5 या 5/3, जैसे माइनस का 3/4, जैसे अपने पास में
रूट का 49 बट्टा रूट का 16, ये भी अपने पास में क्या एक परिमेय संख्या है। जैसे इसका रूट अपने पास में कितना होगा 7, इसका रूट अपने पास में कितना होगा 4, तो ये संख्या अपने पास में क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी। पी अपॉन क्यू को फॉलो कर रही है तो अपने पास में क्या होगी परिमेय संख्या होगी। जैसे अपने पास में 0, 1 परिमेय संख्या है। जैसे अपने को कोई पूछ ले कि 0 कौन सी संख्या है, तो 0 अपने पास में क्या है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 है, 0 के अपॉन में 1 रख दो, तो ये अपने पास में पी अपॉन क्यू, तो अपने पास में ये कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी का मान 0 अपने पास हो सकता है, तो अपने पास में क्यू का मान क्या 0 नहीं है, तो अपने पास में इसको 0/1 ले सकते हैं, तो अपने पास में 0 क्या है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये अपने पास में क्या है एक परिमेय संख्या है। जैसे अपने पास में आ गया 5/0, तो ये अपने पास में क्या कर रहा है क्यू अपने पास में क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, तो ये अपने पास में क्या है यह है परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात वह संख्या है जो पी अपॉन क्यू के रूप में हो, पी और क्यू अपने पास पूर्णांक हो और अपने पास क्यू का मान क्या हो 0 ना हो। तो यहां पे अपने पास क्यू का मान 0 हो गया, तो अपने पास में क्या हो गया ये एक परिमेय संख्या अपने पास में नहीं है। अगला एग्जाम्पल, जैसे अपने पास में इसके क्या चल रहे हैं एग्जाम्पल चल रहे हैं, ये अपने पास एग्जाम्पल, ये भी अपने पास में इसका एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे अपने पास में 22/7, 22/7 ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में क्या एक परिमेय संख्या है पी अपॉन क्यू के रूप में है, पी और क्यू अपने पास में पूर्णांक है और क्यू अपने पास में 0 नहीं है, तो मतलब क्या है ये एक परिमेय संख्या है, तो यह है परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। और पाई, पाई अपने पास में क्या है, जो पाई है वो अपने पास में क्या है यह है अपरिमेय संख्या है। पाई अपने पास में क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो पाई का मान है वो अपने पास कैलकुलेटर से जब निकालते हैं, तो यहां से अपने मान यहां से 22/7 से 22/7 को सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू लग आती है, और जब पाई को सोल्व करते हैं पाई का मान हम कैलकुलेटर से निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है अलग आती है। तो अपने पास में 22/7 ही पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो अपने पास में परिमेय संख्या है, और ये अपने पास में क्या है एक परिमेय संख्या नहीं है। जैसे अपने पास में माइनस का √5, ये अपने पास में क्या है यह है परिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपने पास में पी और क्यों क्या होना चाहिए पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, लेकिन अपने पास में ये क्या है रूट के रूप में है, ये अपने पास क्या है पूर्णांक नहीं है, इसके अपन विघटन कर दें तो अपने पास में ये जो पी है वो पूर्णांक के रूप में नहीं है, तो अपने पास में ये क्या है परिमेय संख्या नहीं है। जैसे अपने पास में √3 और √2, यह भी अपने पास में क्या है परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह भी अपने पास में क्या है परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात परिमेय संख्या होने के लिए अपने पास में क्या कंडीशन है कि जो पी और क्यू यानी कि भिन्न के रूप में संख्या अपने पास में हो, और पी और क्यू अपने पास में क्या हो पूर्णांक हो, और क्यू का वैल्यू अपने पास में क्या हो 0 ना हो, तो वो अपने पास में क्या होगी सबकी सब परिमेय संख्या होगी। तो अपने पास में यहां ये पी अपॉन क्यू के रूप में क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है तो अपने पास में परिमेय संख्या है, यहाँ पे अपने पास क्यू का मान 0 हो गया तो ये अपने पास क्या होगी एक परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो मतलब कौन सी संख्या है फिर यह एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये अपने पास में 22/7 क्या है एक परिमेय संख्या है, पाई अपने पास में क्या है
यह है अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। और माइनस का पाँच, माइनस का रूट पाँच अपने पास में क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और तीन बटा दो अपने पास में क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार से अपने पास में रूट पाँच, रूट सात, रूट दो, रूट तीन, ये सब भी अपने पास में क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो ये अपने पास में क्या हो गई, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या को हम किससे शो करते हैं, इसको हम कैपिटल क्यू से शो करते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, कैपिटल क्यू। परिमेय संख्या को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अपने पास में ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये अपने पास में क्या, कैपिटल क्यू से शो करेंगे। और ये अपने पास में होगी परिमेय, परिमेय या परिमेय, परिमेय संख्या कैपिटल क्यू। अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। आगे आगे अपने पास में है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं हो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हो, वे संख्या जो परिमेय नहीं हो अपरिमेय संख्या क्या रहेगी। जैसे अपने पास में रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, रूट सात अपरिमेय संख्या है, रूट दो अपरिमेय संख्या है, रूट तीन अपरिमेय संख्या है, दो प्लस रूट ग्यारह ये अपने पास में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, दो माइनस रूट ग्यारह यह भी अपने पास में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपने पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के लिए ई अपने पास में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपने पास में आठ, रूट आठ और रूट तीन ये अपने पास में कितना हो गया, रूट चौबीस यह भी अपने पास में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो वे संख्या जो अपने पास में परिमेय नहीं है वो अपने पास में क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे एक बटा जीरो यह भी अपने पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह भी अपने पास में क्या है, अपरिमेय संख्या। अर्थात वे संख्या है जो अपने पास में परिमेय नहीं है वो अपने पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में अपने पास में आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या या रियल नंबर वे संख्या परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे वास्तविक संख्या अपने पास में रियल नंबर, रियल नंबर आर ये अपने पास में क्या होगा, इसमें अपने पास में परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी। तो इसमें अपने पास में प्राकृत संख्या है एन, इसमें अपने पास में होल नंबर डब्लू, और अपने पास में इसमें इंटीजर पूर्णांक, और इसमें अपने पास में परिमेय संख्या क्यू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसमें अपने पास एन यानी कि वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी संख्याओं का समुच्चय अपने पास में किसमें होगा, वास्तविक संख्याओं में होगा। आगे अपने को इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें अपने को दिया गया है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, यानी कि वो क्या है, अपरिमेय है। तो मतलब
फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में कितना है, फर्स्ट ऑप्शन में अपने को जीरो दे रखा है, तो जीरो अपॉन वन कर दें, तो ये जीरो अपॉन वन अपने पास में क्या है, जीरो बटा एक, ये अपने पास में क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये अपने पास में क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है पाई। दूसरा ऑप्शन अपने पास में क्या है, पाई, पाई अपने पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई अपने पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा अपने पास में क्या है, सात, सात अपने पास में क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि सात बटा एक लिख सकते हैं, तो पी अपॉन क्यू के रूप में, और दोनों क्या पूर्णांक है, तो सात क्या है, परिमेय संख्या है। चौथी, चौथा अपने पास में कितना है, √225, √225 अपने पास किसका स्क्वायर है, ये अपने पास 15 का स्क्वायर है, तो ये अपने पास इसका रूट कितना होगा, 15 होगा, तो 15/1, ये अपने पास में क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो अपने पास कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ये अपने पास अपरिमेय, तो ऑप्शन बी अपने पास में क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें, इसमें चेक करना है अपने को, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो मतलब कि इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में है √2 और √8, इसको क्या लिख सकते हैं, √16 लिख सकते हैं, 8 × 2 = 16, और 16 का रूट कितना होता है, 4, तो 4 तो क्या है, 4/1, ये तो क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बी चेक करते हैं, बी अपने पास में क्या दे रखा है, √147/3, ये अपने पास कितना होगा, 3 का भाग लगाओ इसमें, 3 × 12, यहाँ से 2 बचेगा अपने पास में, 3 × 9 = 27 × 49, इसका रूट अपने पास कितना होगा, 7, तो 7/1, पी अपॉन क्यू के रूप में पूर्णांक है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन सी चेक करते हैं, सी अपने पास में कितना देखा है, √11 - √2, √11 अलग है और माइनस का √2 अलग है, तो ये अपने पास में क्या है, √11 अपने पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है, और √2 भी अपने पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या जाएगी, तो अपने पास में अपरिमेय संख्या बचेगी, तो अपने पास में ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये अपने पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं।